एसएनएस फूड जोन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल, आइए उसकी रेसिपी जानें। आलू के चोखा के लिए यानी ब्रेड रोल में जो हम आलू करेंगे उसके लिए मैंने बीटरूट लिया है, ओनियन को चॉप कट किया है, गाजर को और बीटरूट को हमने कद्दूकस कर लिया है, बीन्स लिया है, जिंजर लिया है और ड्राई चिली लिया है। ये हमने पैन में ऑयल डाला है, इसमें हम पहले ओनियन डालेंगे। जी हमने इसमें ओनियन डाल दिया, अब ओनियन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हमारा ओनियन हल्का फ्राई हो गया, अब इसमें हम गाजर बीन्स सब डाल देंगे और फिर फ्राई इसे हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया हल्का, अब इसमें हमने जो आलू को मैश किया था उसको डाल देंगे और फिर इसको भी साथ में फ्राई करेंगे। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें क्यूमिन पाउडर डालेंगे, इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, इसमें गुलकी पाउडर डालेंगे, थोड़ा हल्दी डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। ये हमारा आलू चॉप का चोखा तैयार हो गया, अब हम गैस बंद कर देंगे। ब्रेड को पानी में डिप करना है, फिर इसे हाथ से निकालना है और इसमें इसके ऊपर आलू रखना है। ये देखिए हमने इसके ऊपर आलू रख दिया, अब इसे हमें रोल करना है। इस तरीके से मैंने इसे रोल कर दिया, ऐसे ही रोल करके हमने एक जगह रखना है, फिर इसे फ्राई करना है। इसको हमने पानी में डिप किया, अब इसमें हमने एक आलू का बॉल लिया, उसको रखा ऐसे करके प्रेस कर दिया, रोल बना दिया लंबा रोल और इसे एक जगह रख दीजिए, फिर इसे फ्राई करना है। इसे डिप किया, निकाला, आलू का रोल लिया, आलू का रोल को भी राउंड अप किया, इसमें इसको रखा, इसको साथ में इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसको रोल कर सकते हैं। देखिए मैंने बना लिया, रोल कर लिया। अभी हम पैन में रिफाइंड डालते हैं और उसे गर्म करते हैं। ये मेरा पैन में रिफाइंड गर्म हो गया, अब एक एक करके हम इसमें रोल को डालते हैं, ब्रेड रोल धीरे धीरे डालेंगे। हमने इसे एक एक करके अब पलट दिया है, अब इसे हम पकने देते हैं। फिर से नीचे देखते हैं, हमें ज़्यादा नहीं जलनी है इसे करना, ये हल्का ही फ्राई हो तो हमें डालना है। एक एक करके उतार देते हैं। फिर हम एक करके डाल देते हैं, धीरे धीरे ही डालेंगे। अब हम इसे एक एक करके पलट देते हैं।
ढंग से पकने देते हैं। ये हमारा चॉप तैयार हो गया, ब्रेड रोल तैयार हो गया। आप इसे चिली सॉस, टोमेटो सॉस, इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किसी में भी खा सकते हैं, चाय के साथ इसका अलग ही मज़ा है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी प्रेस करें और प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।